Hi everyone, I'm so thankful to all of you for watching this video. I'm more happy to know that we have entered the month of July, and I just wish that this month would be much more better than the rest of the year we have been through. So I'm happy to announce that we are going to feature Just the Indian Recipes on our blog and YouTube channel for the month of July. We are going to start with our first menu, that is soups and salad, in which I'll be showing you five bean salad and roasted garlic and tomato soup. सैलेड बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं वो है छोले, राजमा, चावला, सोयाबीन एंड ग्रीन मूंग। एंड सूप बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर, गार्लिक एंड सौंफ। सबसे पहले मैं सारे बीन्स को सैलेड के लिए सोक करके रखूँगी। चावला लिया है मैंने यहाँ पे। इक्वल अमाउंट का राजमा लिया है एंड इक्वल अमाउंट का छोले लिया है। ये रेसिपी 4 से 5 लोगों के लिए इनफ है। सोयाबीन एंड देन मैं इसमें ऐड करूंगी ग्रीन मूंग, जो मैंने थोड़ी कम क्वांटिटी में यूज की है। इसमें मैं 2 से 3 कप पानी ऐड करके ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दूंगी। आप इसे 2 से 3 घंटे भी सोक करके रख सकते हैं। नेक्स्ट मैं एक छोटे बाउल में पीनट्स लूंगी और उनको भी 1 से 2 घंटे सोक करने के लिए रख दूंगी। आप चाहें तो इसकी स्किन हटा सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी रिमूव कर सकते हैं। सो ये मेरे पीनट सोक हो गए हैं। एंड ये मेरी सारी ग्रेन्स यानी कि बीन्स सोक हो गए। इसको हम अब बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब तक वो बॉईल हो रहा है हम यहाँ पे अपने सूप की तैयारी करेंगे। सो मैंने ये 3 बड़े टमाटर लिए हैं जिनको मैं हाफ कट करके ड्राई रोस्ट करूँगी। ड्राई रोस्ट का मतलब होता है कि हम इसमें कोई तेल या घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी में मैं अपने गार्लिक भी डाल दूंगी। आप इसे मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर सकते हैं। इसकी स्किन थोड़ी देर में अपने आप ही श्रिंक होने लगेगी। आप इसे अवन में भी रोस्ट कर सकते हैं 180 डिग्रीज पे 4 to 5 मिनट्स के लिए। इसमें मैंने सौंफ ऐड करी है। आप देख सकते हैं इसकी स्किन ब्लैक होने लगी है। इसको हम अब ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हम ग्रीन चिली ऐड करेंगे एंड इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये एक पेस्ट रेडी हो गया है जिसमें हल्के से ग्रेन्स हैं। मैंने तेल में थोड़ा जीरा डाला है और फिर ये पेस्ट को डाल दिया है। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे। आप पानी ऐड करिए अकॉर्डिंग टू योर कंसिस्टेंसी। मैंने यहाँ पे 1 ग्लास पानी ऐड किया है यानी कि 1.5 कप।
इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छे से कुक होने देंगे। यहाँ मैंने ड्राइड थाइम ऐड करी है एंड चिली फ्लेक्स। आप थाइम की जगह बेजल लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। एक बॉईल के बाद हम इसे बंद कर देंगे। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर सैलेड। इसमें मैं चॉप टमेटोज ऐड करूंगी, अनियंस, कॉर्न, मैंने यहाँ पे टिन कॉर्न यूज किया है, और अच्छे से एक बार मिक्स करूंगी। इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। मैंने बॉईल करते टाइम थोड़ा सॉल्ट ऑलरेडी ऐड किया था, तो अभी हम थोड़ा कम डालेंगे। चाट मसाला एंड हाफ लेमन। जितने भी बीन्स हमने यूज किए हैं ये काफी हेल्दी हैं एंड ये आपकी स्किन और हेयर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। सोयाबीन स्पेशली बहुत फाइबरस बीन होता है। इसमें हम पीनट्स ऐड करेंगे, मैंने स्किन रिमूव की है इसकी। पीनट्स भी आपके हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा एक ग्रेन है। लास्ट में हम इसमें चॉप करके धनिया डाल देंगे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर इंडियन रेसिपीज कमिंग दिस मंथ।